देखते हैं दुनिया भर में दहशत मचा रहे कोरोना वायरस की। दुनिया कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रही है। कोरोना वायरस से मृतकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 1,37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20,64,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं बात अगर अमेरिका की करें तो यहां कोरोना की स्थिति गंभीर होती जा रही है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 2,600 लोगों की मौत हो गई, जो किसी भी देश में एक दिन में मौत की अधिकतम संख्या है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में मौत का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि 6,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इसके अलावा ब्रिटेन में अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। वहीं भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 12,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि अब तक 414 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं राहत की बात यह है कि अब तक 1,489 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो यहां सिर्फ 17 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन मुंबई और इंदौर में हालात अभी भी नाजुक हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। जी प्रीत, देखिए लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं। इसके मद्देनजर एक और चीज यहां पर सामने आ रही है कि लगातार डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी जो हैं उन पर हमले भी हो रहे हैं, तो क्या माहौल दिल्ली में है, बताइए। जी बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से डॉक्टर्स पुलिसकर्मियों पर हमले हो रहे हैं, इसको लेके अब सरकार बहुत ज्यादा इस मसले पे ध्यान दे रही है। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि ऐसे जो लोग जो पुलिस के ऊपर हमला करेंगे, डॉक्टर्स के ऊपर हमला करेंगे, उनके सख्त कार्रवाई होगी। यूपी में भी ऐसा जो मामला हुआ था उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया, FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन इस बीच में ऑपोजिशन की तरफ से लगातार आरोप लगाए गए हैं कि जो सरकार की तैयारियां हैं वो नाकाफी हैं। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इस पूरे मसले पे जिस तरीके से उन्होंने बाकी देशों की तुलना में भारत की तुलना की और ये कहा कि काफी अच्छे हालात हैं, बेहतर स्थिति है, लेकिन इसको किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए और अच्छे हालात बनाए जाने चाहिए। अब जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये कहा था कि 20 अप्रैल के बाद कुछ शर्तों के साथ में लोगों को जो जरूरी के काम है वो कामकाज करने इजाजत दी जाएगी। ऐसे में सरकार को तैयार रहना चाहिए। 3 मई को जब लोग सड़कों पर निकले तो उस समय इकोनॉमिक कंडीशन देश की और साथ में जो हेल्थ सिस्टम है वो दुरुस्त होना चाहिए। उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है जो अपोजिशन के लीडर्स है, तमाम जो रैपिड किट्स हैं वो राज्यों तक अब तक नहीं पहुंच रही है, उसके पीछे देरी कहाँ हो रही है, इसके पीछे एक नया वैकल्पिक रास्ता भी तलाशना चाहिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने ये तक कह दिया कि केवल भाजपा शासित राज्यों तक ही ये किट्स पहुंच रही हैं और ऐसे में इसमें भी भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य हैं, जो अन्य जो पार्टियों की जहाँ पर सरकारें हैं वहां पर ये किट्स काफी देरी से पहुंच रही है, काफी कम दी जा रही है। जी मनीषा, प्रीत किरण देखिए एक नाम फिलहाल बहुत ज्यादा चर्चा में है और वो है प्लाज्मा थेरेपी, जो पहले विदेशों में ही होती थी, लेकिन अब जब तक इसका प्रॉपर इलाज नहीं मिल जाता, वैक्सीन नहीं बन जाती, तब तक प्लाज्मा थेरेपी से डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने के लिए कल दिल्ली के उपराज्यपाल ने इजाजत दे दी है। अब ऐसे मरीज जो कि कोरोना से लड़कर पार पा चुके हैं, दुरुस्त हो गए हैं, अब प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से उनके जो सेल्स है उनको लेकर और पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाएगा।
ये इंडिया में इस माध्यम से ट्रीटमेंट नहीं की जाती थी, विदेशों में ही ट्रीटमेंट की जाती थी, क्योंकि ये काफी ये भी कहा जाए कि कुछ कंडीशंस में ये पेशेंट के लिए खराब होता है, काफी बार ये कारगर साबित नहीं हो पाता है। ऐसे में इसको अपनाना भारत सरकार की ओर से अब तक नहीं अपनाया गया था, लेकिन कोरोना जबकि वैक्सीन नहीं आ पाई है, ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी से भी ट्रीटमेंट करने की शुरुआत की जाएगी। ये शुरुआत दिल्ली में कर दी गई है, आगे अन्य राज्यों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। बिल्कुल प्रीत किरण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लगातार आपको अपडेट हम दे रहे हैं, जिस प्रकार से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तमाम प्रयास केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं।